भाई की तरफ से पूरी तरह से परमिशन मिल चुकी है, बस रिटिन में मिलनी बाकी है। उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ एप्लीकेशन हम कल से ही लगाते हैं आज। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे दोस्तों सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों आज आपको दिखाएंगे गुलाम हैदर का वो मकान, वो जगह जहाँ पर सऊदी में गुलाम हैदर रहते हैं। वहाँ पर पहुँचे हैं दोस्तों एक यूट्यूबर, और उन्होंने पूरा जो है वहाँ का व्यू दिखाया है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह है माशाल्लाह, जहाँ पर जो है गुलाम हैदर रहते हैं। और दोस्तों बड़ी न्यूज़ ये है कि गुलाम हैदर जो है, यानी इंडियन वकील के साथ उनकी मीटिंग हुई थी दोस्तों। इससे पहले जो है हमें वीडियो डाली थी, इंटरव्यू डाला था, वहाँ पर भी देख सकते हैं। यानी गुलाम हैदर ने लाइव जो है बातचीत की इंडियन वकील से, और उन्हें जो है यानी भारत में कार्रवाई करने के लिए अनुमति दे दी है। यानी ये बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों, और आप सबके लिए बड़ी खुशी की खबर है। अब जो है गुलाम हैदर अपने बच्चों से भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में जो है एप्लीकेशन दी जाएगी कि हैदर की जो है बच्चों से बात कराई जाए। उसके बाद दोस्तों जो बच्चे हैं हैदर को, गुलाम हैदर को मिलेंगे, यानी वो उस पर कार्रवाई होगी। और फिर जो है सीमा जेल जाएगी, उस पर भी कार्रवाई होगी। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है। उसके बाद दोस्तों आप देखिए, गुलाम हैदर यहाँ पर रहते हैं और बहुत ही प्यारी जगह पर हैं दोस्तों, माशाल्लाह। देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ये करें। जो है गुलाम हैदर की जगह है, यहाँ रहता है गुलाम हैदर भाई। माशाल्लाह ये देखें, ये खजूर के दरख्त हैं, ये तो खजूर ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये हैदर भाई खुद हैं। हाँ हैदर भाई कह रहा है खजूर खाओ, क्या बात है हैदर भाई, बहुत शुक्रिया। आप खाते हो माशाल्लाह यार, ये तो बहुत ज़बरदस्त खजूर है। ये देखो दोस्तों ये खजूर देखें माशाल्लाह, अल्लाह पाक की नेमत है। ये हैदर भाई के साथ ये भी खजूर भी है, जबरदस्त। हैदर भाई खुद खिला रहा है खजूर माशाल्लाह, क्या बात क्या बात। हैदर भाई खुद खिला रहा है खजूर अपने हाथों से। माशाल्लाह क्या बात, मुश्किल नहीं है। हैदर भाई खजूर खिला रहा है हमें, बहुत मीठा है खजूर, बहुत मीठा है माशाल्लाह। इसको काट लेकर जाओगे? नहीं 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 बहुत बहुत नहीं 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 यार, हैदर भाई कह रहा है इसको काट के खुद ले जाओ। नहीं नहीं हैदर भाई बहुत शुक्रिया, नहीं 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 बहुत शुक्रिया, नहीं नहीं ये काफी है भाई जान। नहीं नहीं मेरे भाई तो नहीं काटना इसको, नहीं 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 भाई नहीं, ये पकने दो। नहीं नहीं भाई ना, इसको नहीं काटो, लेके जाएगा भाई। हैदर भाई ये खजूर काट रहा है हमारे लिए, कह रहा है तुम लेके जाना उधर खाना। तो देखें हैदर भाई की मोहब्बत, अल्लाह इसको खुश रखे। हैदर भाई किस के साथ आएगी तो अच्छी है, किस नहीं है? अच्छा चल, हैदर भाई देखो काट रहा है खुद, और हमारे लिए कह रहा है तुम लेके जाना फिर उधर खाना, अपने अपने दोस्तों को भी खिलाना, आप भी खाना। हैदर भाई बहुत शुक्रिया। आप टोटल आवाज़ उठाओगे फिर हमारी हुकूमत आवाज़ उठाएगी, पाकिस्तान की हुकूमत आवाज़ उठाएगी, इंडिया की गवर्नमेंट से मुतालबा करेगी भाई हैदर की कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है हैदर के, लिहाजा बच्चे वापस किए जाएं। हैदर इस टाइम बहुत परेशान है, बहुत सदमे में है। आप दोस्तों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया हैदर भाई कर रहा है। हैदर भाई ने कहा मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे देखते हैं, आप लोगों का दिल से शुक्रिया। हैदर भाई कुछ कहेंगे? प्लीज़ हाँ, मैं यही भाई बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी तो आप एक माँ भी होंगे, एक बेटी भी होंगे, एक भाई भी होंगे, तो एक बाप भी होंगे। हर नजरिए से देखो, मैं इस टाइम सदमे में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह ना करे जो मेरे साथ ये हादसा हुआ किसी इंसान के साथ आ जाए। बस इस टाइम जो है हेल्प की सख्त ज़रूरत है भाइयों की, बहनों की, तमाम उम्मत इंसान से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ताकि आवाज़ आगे से आगे तक पहुँचाया जाए और हमारी हेल्प हो सके।